जय हिंद। आर्मी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का सनराइज़ करियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी इंडियन आर्मी की और भारतीय सेना की सभी टुकड़ियों में एक अग्निवीर नाम से जो स्कीम चल रही है, जो पहले लड़कों के लिए थी, अब ये लड़कियों के लिए भी है। जैसे देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ARO का ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि रिक्रूटमेंट रैली, उत्तर प्रदेश के ARO का ये नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, ठीक है, हेड क्वार्टर रिक्रूटमेंट जोन लखनऊ से। और ये किसके लिए है? अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन, अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए ये आया हुआ है। यानी महिलाएं भी अब अग्निवीर में फॉर्म डाल सकती हैं और भारतीय सेना में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे हमारा 4 साल के लिए जो स्कीम आई थी, ठीक है। और इस महिलाओं के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है, इसका सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है हमारे उत्तर प्रदेश का, लखनऊ रीजन का, ये होगा 9 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक के बीच में। कब से कब तक में होगा? 9 अगस्त 2022 से लेके 7 सितंबर 2022 के बीच में। और इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि जो भी हमारी बहन सिस्टर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उसके क्या क्या मापदंड होंगे, क्या क्या हाइट होगी, और क्या रनिंग लिया जाएगा, क्या बोनस नंबर होंगे, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारा जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, जोन हमारा लखनऊ है, ARO हमारा क्या है, लखनऊ है। और यहाँ पर ये जो अग्निवीर स्कीम निकली है, ये कौन से डिपार्टमेंट से निकली है? कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस। कहाँ पर? कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस। और कहाँ किस चीज़ के लिए भर्ती होगी इसमें? GD। और GD का मतलब क्या होता है? जनरल ड्यूटी, ठीक है। और हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लखनऊ, ARO। ओके, चलिए इसमें और देखते हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है, क्या क्या इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को तो पता होगा कि अग्निवीर योजना के तहत जो भी कैंडिडेट एनरोल होगा वो मात्र कितने साल के लिए होगा? 4 साल के लिए होगा। इसमें इसका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड है। क्लियर है? सबसे पहले हम इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे इसका होगा। जो भी सिस्टर, जो भी बहनें अपनी तैयारी करना चाहती हैं या भारतीय सेना में जाना चाहती हैं, और इसका जो अग्निवीर है, इसका रजिस्ट्रेशन होगा joinindianarmy.nic.in वेबसाइट में 9 अगस्त 2022 से 7 सितंबर 2022 तक। और इसके बाद 20 सितंबर को इसका आएगा एडमिट कार्ड। किस चीज़ का एडमिट कार्ड? रैली का एडमिट कार्ड। 20 सितंबर को इसका आएगा एडमिट कार्ड। किस चीज़ का एडमिट कार्ड आएगा? ये एडमिट कार्ड आएगा आपका रैली का। और ये रैली कहाँ पे होगी? लखनऊ में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रैली कहाँ पे होनी है? ये जो रैली होनी है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर वुमेन MP, यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस अग्निपथ स्कीम के तहत। ये कहाँ पे होगी? मेडिकल कॉप्स सेंटर कॉलेज, कहाँ पे? लखनऊ में। और 20 सितंबर से पहले आपका क्या आ जाएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, क्राइटेरिया देख लीजिए, कौन कौन जो भी महिला है, जो भी गर्ल है, जो भी लड़की है, कौन कौन इसको भर सकता है फॉर्म। तो देखिए, इस स्कीम के तहत जो भी भर्ती होनी है वो किस में होनी है? GD में होनी है। GD का मतलब अग्निवीर जनरल ड्यूटी, और खास महिलाओं के लिए। लेकिन कहाँ पर होगा? कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में, जिसको क्या बोलते हैं? CMP, या फिर बोल सकते हो वुमेन मिलिट्री पुलिस या आर्मी की पुलिस। इसमें होता है। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया क्या है? 17.5 से 23 साल, 17.5 से 23 साल। और 17.5 से 23 साल तो कब से कब तक का इसका क्राइटेरिया है? 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में। यानी जो भी महिला, जो भी लड़की इस चीज़ की तैयारी करना चाहती है, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में पैदा हुई होनी चाहिए। उसकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, और मेडिकली फिट होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना? मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, और लगभग 33 से 40 के बीच में उसके परसेंटेज होना चाहिए। क्लियर है? और हाँ, जिस लड़कियों के पास मोटर व्हीकल होगा, LMV होगा, यानी 4 पहिया का लाइसेंस होगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें।
जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया कि जिन लड़कियों के पास NMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा उनको वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी उनको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा इसमें जो ऊपर लिखा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना, दसवीं पास, और दसवीं पास के बाद कितना परसेंट मिनिमम, 33% यानी 33 और 40% के बीच में लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, फाइनल जो कट ऑफ होता है, फाइनल कट ऑफ के बाद ही एडमिट कार्ड आते हैं। अभी 33% में सबके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, हर लड़की का रजिस्ट्रेशन जिसकी हाइट 162 सेंटीमीटर है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद इंडियन आर्मी की वेबसाइट में एक फाइनल कट ऑफ निकलता है, और फाइनल कट ऑफ निकलता है कि वो 42% ले रहे हैं 10th की मार्कशीट का, कि 60% ले रहे हैं, कि 80% ले रहे हैं, कि 86% ले रहे हैं। अभी आपको बता दूं, सन 2019 से लड़कियों के लिए आर्मी में GD की भर्ती आई है, और सन 2019 से लगातार कभी 86%, कभी 84%, कभी 85% ऐसा कट ऑफ लिया जा रहा है। तो मैं आपको एक बार यही सलाह दूंगा, ये पिछली वाली भर्ती से बिल्कुल अलग है, 33 से 40% के बीच में लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो एडमिट कार्ड आएगा वो फाइनल कट ऑफ से ही आएगा। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप भरिए फॉर्म, लेकिन ये आशा से मत कीजिए कि हो सकता है आपका फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड आए ही आए। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी कभी भी अपना कट ऑफ नहीं बताती है कि हम कितना कट ऑफ से लेने वाले हैं, वो फॉर्म डालने के बाद ही अपना कट ऑफ निकालेंगे। तो आप सभी लोग फॉर्म भरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स्ड। देखिए जो एज लिमिट है वो कितना है, 21 से 23 साल कर दी गई है, ठीक है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, जो विडोज़ है, विडोज़ ऑफ डिफेंस हैं, यानी ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं उनके बच्चों के लिए जो मैक्सिमम एज है, या विधवाओं के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 30 साल है। यानी जो आर्मी के विधवाएं हैं, जैसे जो शहीद हो गए हैं उनकी वाइफ है, उसको वाइफ भी वो फॉर्म डाल सकती हैं, उनकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 30 साल एज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कहाँ कहाँ पर छूट मिल रही है, कहाँ कहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। जो जिनके फादर, जिन लड़कियों के फादर इंडियन आर्मी में हैं, या जो विडो हैं, जो शहीद की आश्रित हैं, उनके लिए यहाँ पर हाइट की 2 सेंटीमीटर छूट दी गई है। यानी उनकी हाइट कितनी लगेगी, 160, और वेट उनका 2 केजी वेट कम किया गया है। जो विडोज़ ऑफ डिफेंस हैं, विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में कमी है। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है, जैसे अपने कॉलेज में रहे होंगे, या स्टेट को रिप्रेजेंट किया होगा, नेशनल देश को रिप्रेजेंट किया होगा पिछले 2 सालों में, उनके लिए भी 2 सेंटीमीटर की हाइट की कमी की गई है, छूट दी गई है, ठीक है। और आगे देखा जाए, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब पहाड़ों का देश, उसमें भी हाइट में कुछ 4 सेंटीमीटर की हाइट में कमी की गई है, कि 4 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन कैसे, नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे ये हमारा सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, पहाड़ों का देश है, यहाँ पर औसतन जो लड़का लड़कियों की हाइट कम होती है, इसीलिए इसमें 4 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो यानी यहां के जो लोग हैं वह 4 सेंटीमीटर की छूट की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, आपको क्या क्या चाहिए इसमें, आपको यहाँ का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ताकि इनको पता चल सके कि ये हाइट कहाँ की है। क्योंकि देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग हाइट होती है, जैसे अगर आप पूर्वोत्तर में चले जाएँ तो वहाँ पर हाइट कम होती है, हरियाणा में चले जाए तो हाइट बड़ी होती है, उत्तर प्रदेश में हाइट बड़ी होती है, इस हिसाब से अलग अलग छूट मिलती है। फिजिकल स्टैंडर्ड देखें, जब आप रैली में पहुँचोगे वहाँ पर, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जब आप रैली में वहाँ पहुँचोगे तो रैली में वहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी, अपना एडमिट कार्ड अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट का चेकअप होगा, डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। सबसे पहले आपका जो है 1600 मीटर का रेस होगा, और 1600 मीटर का जो रेस है, जो पहला ग्रुप है लड़कियों के लिए, वो कितना है, 7 मिनट 30 सेकंड का लिया जाएगा। कितना, 7 मिनट 30 सेकंड का पहला ग्रुप लिया जाएगा, और दूसरा ग्रुप कितने, 8 मिनट में लिया जाएगा। क्लियर है, आए समझ में, ओके। जो पहाड़ों में रहते हैं, जो लड़कियां पहाड़ों में, जैसे पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं, जैसे आपका पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 1600 किलोमीटर को भागने के लिए। कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए, जो लॉन्ग जंप है वह 10 फीट है, ठीक है, 10 फीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो हाई जंप है वो कितना करना पड़ेगा, 3 फीट करना पड़ेगा। यानी ये 3 क्राइटेरिया आपको पार करना पड़ेगा, ये है पूरा फिजिकल। 1600 मीटर 7 मिनट में पहला ग्रुप, और 1600 मीटर दूसरा ग्रुप 8 मिनट में। और क्या है इसके बाद, क्या है, 10 फीट का गड्ढा जंप करना पड़ेगा, और इसके बाद क्या है, हाई जंप कितना है, 3 फीट का है, इसको आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट। फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा? मेडिकल फिटनेस होगा। अब मेडिकल फिटनेस में जैसे आपके हाथ हैं, पैर हैं, और जैसे पंजे हैं, ठीक है, अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं है, दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कान साफ है कि नहीं, ये सब पूरा वहाँ पे मेडिकल चेकअप किया जाएगा, ठीक है। जेंडर देखा जाएगा, क्या वाकई में जिस जेंडर से आपने अप्लाई किया है क्या उसी वही जेंडर है या नहीं, या किसी व्यक्ति ने कोई सर्जरी तो नहीं कराया है, या कोई महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को साफ साफ मना किया जाता है किसी भी रैली के लिए, क्योंकि उसमें दोनों को खतरा रहता है, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। क्लियर है? देखिए, कोई भी छात्र अगर मेडिकल आउट हुआ है, किसी कोई पॉइंट लगा है, तो उसको 180 दिन का समय दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई लड़का तब भी अगर अनफिट रहता है, फिट नहीं होता है, तो उसको फिर मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और उसको इंडियन आर्मी में नहीं लिया जाएगा। कोई भी लड़की अगर इस तरीके से होती है, जैसे ही आप फिजिकल के बाद आपका क्या होता है, मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद अगर आप मेडिकल फिट हो तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 50 क्वेश्चन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। विल बी कंडक्टेड आफ्टर द मेडिकल। जो भी लड़का लड़की मेडिकल फिट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड किसके लिए? एडमिट कार्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड। देखिए, विल बी कंडक्टेड फॉर द मेडिकल फिट कैंडिडेट्स एट द नॉमिनेटेड वेन्यू एंड डेट टाइम ऑफ रिटर्न। आपके एडमिट कार्ड में डेट और टाइम और वेन्यू सब कुछ लिखा रहेगा पहले से ही। नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसमें, और सीईई सेलेक्टेड कैंडिडेट जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, जो पेपर देंगे, जो फाइनल कट ऑफ में जो सेलेक्ट होंगे, उन लड़कों को जनवरी में भेजा जाएगा। अब देखिए, किन किन छात्रों को बोनस नंबर मिलेंगे। बोनस उनको मिलेंगे जिनके फादर आर्मी में है, या वो रिटायर हो गए हैं, या एक्स सर्विस में है। देखो, डॉटर ऑफ सर्विस, यानी जिन लड़की के पिता आर्मी में है, इंडियन आर्मी में रिटायर हो गए हैं, उनको 20 नंबर का बोनस मार्क्स मिलेगा। टोटल आपका फिजिकल और मेडिकल, टोटल फिजिकल मेडिकल और रिटर्न टोटल आपका 200 नंबर में से होगा, और 200 नंबर में से 20 नंबर बोनस मिलेगा उनको जिनके पिता इंडियन आर्मी में हैं या रिटायर्ड हो गए हैं। उसके बाद देखिए, जो डिफेंस पर्सनल की जो विधवाएं हैं, उनको 20 नंबर का बोनस मार्क्स मिलेगा। और जो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स जो भी लड़की है स्पोर्ट्स में जा चुकी है और इंटरनेशनल लेवल खेल चुकी है, उसको 20 नंबर का यहाँ पर मिल रहा है। और जो स्टेट लेवल खेली है, सीनियर जूनियर में, नेशनल लेवल में खेली है, उसको 15 नंबर का बोनस मिल रहा है। और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, उनको 10 नंबर का बोनस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। 6th पोजीशन तक देखो 10 नंबर का बोनस मिल रहा है, ठीक है। और जो खेलो इंडिया गेम के तहत देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनको 10 नंबर का बोनस मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे, देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में मेडल जीते हैं, ठीक है, मेडल जीते हैं और 4th पोजीशन तक पहुंचे हैं टीम के साथ भी, तो उनको भी कितना? 5 नंबर मिल रहा है। और आपको बता दें, जो स्टेट लेवल इवेंट में स्कूल की तरफ से भी जो गए हैं, रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट स्टेट स्कूल टीम में, और जो 4th पोजीशन तक गए हैं उनको भी यहाँ पर, 6th पोजीशन तक गए हैं उनको भी कितना नंबर मिल रहा है? 5 नंबर मिल रहा है। जो NCC A सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर मिल रहा है, जो NCC B सर्टिफिकेट है उसको 10 नंबर मिल रहा है, और जो NCC C सर्टिफिकेट है उसका एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब जो लड़की NCC C सर्टिफिकेट है और जो 17.5 से 23 साल के बीच में है, उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बस उसको फिजिकल देना है और वह मेडिकल फिट रहे। क्लियर है? ओके, इस टाइप के बोनस नंबर टोटल इस इंडियन आर्मी अग्निवीर की स्कीम में दिए जाएंगे। क्लियर है? ओके, आपका अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड होना चाहिए। डॉटेड प्रिंटर आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, वो डॉट डॉट करके प्रिंट करना है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करना है। लेजर प्रिंटर के द्वारा आपका एडमिट कार्ड निकलना चाहिए। आगे देखिए, आपको अपनी पासपोर्ट साइज 20 लेके जानी है, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो कितने लेके जानी है? 20 लेके जानी है। आए समझ में? पासपोर्ट साइज कॉपी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। क्लियर है? और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए,
वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 महीने के अंतराल में हो, अभी 3 महीने के अंतराल में हो, क्लियर है। और कंप्यूटराइज्ड फोटोकॉपी शॉप्ड फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई फोटो कंप्यूटर से बनाई गई है या फिर आप बोल सकते हो कि फोटोशॉप किया गया है, एडिट किया गया है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं 10th का 12th का, अगर आप डिग्री भी कर रहे हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाने हैं और सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है, सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो मैट्रिक तक के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनका काउंटर्स उनका जो है लीविंग सर्टिफिकेट यानी TC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनका लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और किससे साइन होना चाहिए, या तो DEO से या तो BEO से। जो मैट्रिक पास सर्टिफिकेट है यानी आप 10वीं के साथ जो सर्टिफिकेट है आपका, या 10वीं पास से जो अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 10वीं के रिजल्ट में फोटोकॉपी में वो अटेस्ट होना चाहिए, काउंटर साइन अटेस्ट होना चाहिए। कौन सा? लीविंग सर्टिफिकेट। कौन सर्टिफिकेट? लीविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे देखिए, लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ठीक है, जितना भी आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो वह अपेंडिक्स बी में बोर्ड का नाम दिया हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, क्लियर है। आगे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है वहाँ पे, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो या तो तहसील द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया जाना चाहिए, ठीक है। और रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जो तहसील और SDM द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में ये हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं लिखा है, तब वहाँ पर ऐसी ज़रूरत वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये कहाँ से मिलेगा आपका? तहसीलदार से या SDM से। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछले 6 महीने का होना चाहिए, क्लियर है। रिलेशनशिप जो भी होगा वो, जैसे डॉटर ऑफ या क्या बोलते हैं विडोज़ का हो गया, तो इन सब का डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे लेके जाना है, तभी उनको पता चलेगा कि आप रिलेशन में हैं, आपके फादर के रिलेशन से हैं आप। यदि अगर आप NCC कोटे से जा रहे हैं तो NCC के ABC सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट आपके पास होने चाहिए, वहाँ पे उनका भी चेक होगा। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी वहाँ पर ऑन द स्पॉट होना चाहिए, यानी A to Z जिस कोटे से आप जा रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट के तहत आप जा रहे हैं, वो सारे सर्टिफिकेट एट अ टाइम आपके पास होना चाहिए रैली के टाइम पे। अनमैरिड सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, गांव के प्रधान द्वारा बनता है, गांव के प्रधान से साइन होता है, ये अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी में कौन सा जवान चाहिए? अनमैरिड जवान चाहिए। तो ये भी आप दीजिएगा गांव के सरपंच से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये बनेगा। जब तक किसी भी कैंडिडेट की ट्रेनिंग नहीं हो जाती है, तब तक उसे शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, उस बीच में वह शादी नहीं कर सकता। हाँ, ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग हो जाए तब उसके बाद वह शादी कर सकता है। एफिडेविट लगेगा, नॉन जुडिशियल एफिडेविट, 10 रुपये का, कचहरी से मिल जाएगा, अपने नज़दीकी कचहरी से लीजिएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क, जिस सर्टिफिकेट से आपको बोनस नंबर मिल रहे हैं, वो भी एट अ टाइम आपके पास होना चाहिए। अब बोनस जैसे NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट और जैसे रिलेशन का सर्टिफिकेट, क्लियर है। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए। और पुलिस द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट द्वारा बनाना चाहिए, सरपंच से आपका रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। देखिए, टैटू की बात होती है, जो टैटू की बात है, जो भी व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करता है, सिर्फ उसी का टैटू परमिसिबल है, बाकी और किसी का कोई भी टैटू, किसी भी प्रकार का टैटू परमिसिबल नहीं है। और जो ट्राइबल क्षेत्र से होगा, अपने जो भी उसके हाथ में टैटू है, उसके पर्चे में वह DM या SDM के साइन करवा के लेके आएगा,
यानी ये भी इसमें मेंशन है, परमानेंट बॉडी टैटू ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स, यानी अंदर की तरफ अगर हो तो ही एक्सेप्टेबल है। जैसे धार्मिक जैसे ओम बनवा लेना होता है, गणेश जी बनवा लेना होता है, वो अगर अंदर हो तो ही परमिसेबल है, बाकी अगर बहुत बड़ा बना है तो वो परमिसेबल नहीं है। अगर छोटा है तो ठीक है, उसमें परमिसेबल कर देंगे। अब अग्निवीर के तहत थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, अग्निवीर के तहत कि आपको क्या क्या पेमेंट और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। देखिए आप एक साल में टोटल 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, और आपके मेडिकल एडवाइस के तहत सिक लीव आपको मिल सकती है। 4 साल का आपका एम्प्लॉयबिलिटी रहेगा, और जो पे मिलेगा वो अग्निवीर योजना के तहत पहले साल में 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, दूसरे साल में 33,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 सैलरी आपकी रहेगी। इसी बीच में आपको बता दें आपका CHD कैंटीन फैसिलिटी और आपका मेडिकल फैसिलिटी इनके इसी कार्यकाल के दौरान मिलती रहेगी, और जैसे ही आपका कार्यकाल पूरा होता है ये सारी फैसिलिटी आपकी बंद हो जाएगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हमारी सनराइज़ करियर अकेडमी का नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा, उसमें देखिए, कॉल कीजिए। और आपको बता दें लड़का और लड़की दोनों की अग्निवीरों की तैयारी सनराइज़ करियर अकेडमी में कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जा रही है, जिसमें मेडिकल फिजिकल रिटर्न तीनों की तैयारी कराई जा रही है। जय हिंद, जय भारत।